हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉन्ग तड़का रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ चिकन चाप रेसिपी। चिकन चाप आप बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हो। चिकन चाप बनाने के लिए हम कंट्री चिकन या देसी मुर्गा का यूज करेंगे। चिकन चाप में लेग क्वार्टर्स यानी चिकन लेग पीस विथ थाई का यूज करेंगे और बाकी चिकन पीसेस से चिकन बिरयानी बनाएंगे। वैसे चिकन चाप में ओनली लेग क्वार्टर्स का यूज होता है। ब्रॉयलर चिकन का लेग पीस बहुत बड़े साइज का होता है, इसलिए हम लोकल चिकन का यूज कर रहे हैं और लोकल चिकन बहुत टेस्टी भी लगता है। चिकन पीसेस अच्छा से धो के साफ करेंगे और चाकू के मदद से मार्किंग करेंगे ताकि मसाला अंदर तक जा पाए। चिकन क्वार्टर्स को नमक, मिर्च पाउडर और नींबू रस से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। हम चिकन को दो बार मैरिनेट करेंगे। जब तक ये फर्स्ट मैरिनेशन हो रहा हो, हम प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन रेडी कर लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक बाउल में 2 कप दही और ये पेस्ट लेंगे और साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और चिकन मसाला पाउडर। हमने यहाँ पे मिष्टी दोई लिए हैं, आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले दही का पानी निकाल लें। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सेकेंड मैरिनेशन के लिए बैटर रेडी कर लेंगे। अब फर्स्ट मैरिनेटेड चिकन लेग क्वार्टर्स को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर्स को चिकन के ऊपर अच्छा से कोट करेंगे और इसे एटलीस्ट 1 घंटा के लिए मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2nd मैरिनेशन हो जाने के बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें चिकन फ्राई करेंगे। चिकन पीसेस को फ्लिप करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने पे इसे अलग बर्तन में निकाल देंगे। अभी हम बचे हुए तेल में जीरा तड़का के प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च पेस्ट फ्राई कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। हमने जो सेकंड मैरिनेशन किए थे उसमें जो बैटर रह गया था उसे भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। रंग और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। प्याज और मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसमें लेफ्ट ओवर मसाला बैटर के साथ पानी मिक्स करके ऐड करेंगे। 1 हरी मिर्च भी तोड़ के ऐड करेंगे। 1-1 करके सारे फ्राइड चिकन ऐड करेंगे। फ्लेम को लो में सेट करेंगे और चिकन को ग्रेवी में अच्छे से पकाएंगे। पांच मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर करके पकाएंगे।
एक चुटकी गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे एंड आवर चिकन चाप इज रेडी। कैसा लगा ये चिकन चाप रेसिपी? प्लीज कमेंट करें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐसे ही मजेदार और ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एंड वेडनेसडे शाम को 6 बजे। टिल देन एंजॉय आवर रेसिपी। थैंक यू।